जोबट विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब शब्दों के तीर कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पटेल परिवार और भूरिया परिवार आमने सामने नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी रहे महेश पटेल के आरोपों का खंडन करते हुए दीपक भूरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी के समक्ष सारी बातें रखी। वहीं हार का ठिकरा भूरिया परिवार पर फोड़ने को लेकर महेश पटेल को आड़े हाथ लिया। जी, ये आरोप कुछ दिन पहले जो आरोप लगाया था महेश पटेल जी ने कि मैंने और भूरिया परिवार ने काम नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हार और जीत महेश पटेल की व्यक्तिगत छवि होने के कारण हुई। ये नुकसान कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं को दोनों को हुआ, जो उनकी छवि है। और वो उनका एक और आरोप है कि भूरिया परिवार ने काम नहीं किया, मैंने, कांतिलाल भूरिया जी ने, डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने काम ही नहीं किया। मैं बताना चाहता हूँ कि 2018 के मुकाबले कठीवाड़ा, भाभरा और उदयगढ़ में कांग्रेस को वोट बैंक अच्छा खासा मिला है। मैं बताना चाहता हूँ और कि 2018 के मैंने बूथ कमेटी एनालिसिस किया है, बूथ का 2018 और 2021 का, जिसमें 2018 में कांग्रेस को वोट मिले थे 44,000, सॉरी बीजेपी को, और कांग्रेस को मिले थे 46,000 और विशाल रावत को मिले थे 30,000 से 32,000। 2021 में हम देखते हैं कि इसमें विशाल रावत का वोट बैंक 70% बीजेपी के तरफ गया है, जिसमें उनका 20,000 वोट बैंक सीधे के सीधे चले गया उनका भाजपा में, जो 44,000 था वो सीधे चले गया 64,000 पर। और कांग्रेस को 30% मिला, उससे होता 10,000, 46,000 से डायरेक्ट हो गया 56,000। इस 2018 के मुकाबले 10,000 वोट इस बार ज़्यादा मिले हैं, जिसमें 60% वोट गया है कांग्रेस में वोट बैंक और 40% गया है भाजपा के इसमें, जिससे पता चलता है कि 56,000 से 6,000 प्लस हुए हैं 62,000 कांग्रेस में और 4,000 प्लस हुए हैं बीजेपी में, 64,000 से 68,000, जो 62 और जो 68,000 के इसमें जो 6,000 का अंतराल है वो दिख रहा है अलग से, कि ये पूरा विशाल रावत का वोट बैंक भाजपा में जाने से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं बताना चाहता हूँ कि जो 62,000 वोट मिले हैं ये कलावती भूरिया जी के अच्छे कार्यों से मिले हैं और कांग्रेस पार्टी के नाम से मिले हैं ये। और महेश पटेल जी की जमीनी पकड़ ना होने से ये साबित होता है कि बूथ में कमजोरियां, जिस तरह उनने कुछ दिन पहले बोला है कि 10,000 फर्जी वोटिंग डाली। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए जोबट से मुकेश राठौर की रिपोर्ट।